चलिए, तो कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे अलग अलग चैप्टर के। अब आइए आज भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, अगर मॉड ऑफ 2z माइनस आई और अपॉन z प्लस आई, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, मॉड ऑफ 2z माइनस आई अपॉन z प्लस आई जो है यदि इक्वल टू m। चलिए देखिए क्या समीकरण दिया गया है, मॉड ऑफ 2z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इक्वल टू m। अगर यह वृत्त को निरूपित करता है, वृत्त ये जो है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो बताना है आपको कि m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। अगर ये वृत्त को निरूपित करता है तो m का मान क्या होगा, चलिए बताइए। अगर यह वृत्त को निरूपित करता है तो m का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे, 2z माइनस आई अपॉन z प्लस आई का मॉड बराबर m। अगर यह वृत्त को निरूपित करता है तो m का मान क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताइए, बनेगा किसी से कोई आंसर दे सकता है। आंसर नहीं है क्या किसी के पास, देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसको करना बहुत ही आसान है और मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन को आपको क्लास में बताया है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए मैंने कहा था जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जेड वाला, तो जेड का जो आपका प्रारूप बनता है वृत्त के लिए वो कुछ इस तरीके से बनता है, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, ये बनता है। तो आप सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में लिखिए, ओके, और इक्वल टू के, और याद रखिएगा कि के की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती है तब वृत्त बनता है, और अगर के की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो वृत्त नहीं बनेगा। तो क्या बनेगी, तो वृत्त नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, है ना। अगर के इक्वल टू 1 नहीं है तो वृत्त बनेगा, और अगर के इक्वल टू 1 है तो उस समय पर आपके पास में क्या बनेगा, ये के इक्वल टू 1 होने पर लंब समद्विभाजक, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो अगर k इक्वल टू 1 होता है तो लंब समद्विभाजक बनेगा, और अगर k इक्वल टू 1 नहीं है तो वृत्त बनेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का, बहुत ही सरल सवाल है ये। तो अपने पास जो समीकरण दिया है वो दिया है 2z माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू एम। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा जेड माइनस आई अपॉन 2, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ जेड प्लस आई, ये बन गया, पूरा मॉड के अंदर है, इक्वल टू एम। इस 2 को m के नीचे ले जाइए, m बाई 2। अब देखिए ये मॉड ऑफ जेड माइनस जेड 1 और जेड माइनस जेड 2 के रूप में दिया गया है, इक्वल टू m बाई 2। और आपको पता है कि वृत्त के लिए, वृत्त के लिए m बाई 2 डज नॉट इक्वल टू 1, m बाई 2 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका होगा क्या, m 2 के इक्वल नहीं होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हेलो मित्रों, आप लोग आवाज़ करिए भाई प्लीज़, कोई भी। हाँ श्रद्धा मैम, हिमांशु सर, अजय सर, पूनम मैम, प्रतीक सर और रुचि शर्मा मैम, आप लोग जुड़े हुए हैं। बनना एक अलग बात है, परंतु एक जीवंत क्लास रखिए, आप लोग बोलते रहिए, जहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन एंड करूँ आता है नहीं आता, अपने विचार जरूर रखिए, गलत भी रखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या गलत है क्या सही है, जितना मुझे आता है जी सर, है ना, परंतु अपना इनपुट जरूर दीजिए, तो ऐसा लगता है कि आप लोग क्लास में बने हुए हैं जी। ठीक है, अब चलिए। हाँ सर बताइए।
ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ अगर इसको हम रिस्लाइज करके करें तो काफी लंबा हो जाएगा फिर ये। सर, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रेशनलाइज करना कहीं से कहीं तक इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। अगर आप इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेंगे सर, तो बहुत बड़ा बन जाएगा और रेशनलाइज करने का मौका तब मिलेगा सर आप जेड की वैल्यू जहाँ एक्स प्लस आई वाई रखेंगे। बोलिए हाँ या ना, तभी तो आप रेशनलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जेड तो खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, है ना। जी हाँ, तो उसके बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन ये सर मैंने जो बताया है ये ट्रिक है ना। तो मतलब याद रखिएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस रूप का हो, जेड माइनस जेड वन का मॉड और अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड, तो के है, तो के दो समान समूह हैं। के अगर वन के इक्वल नहीं है तो ये आपका जो है ये सर्कल बनेगा, और अगर के जो है वन के इक्वल है तो ये आपका परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक बनेगा। हाँ सर बोलिए क्या बोल रहे हैं। इसमें जब हम लास्ट में कर रहे थे तो हाँ हमारा बन गया था टू, टू बाहर आ गया था, हाँ जेड माइनस आई बाई टू अपॉन जेड प्लस वन, नीचे प्लस आया था, तो इससे कोई मतलब नहीं ना कि यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ उसको बनाकर लिख सकते हैं जेड माइनस माइनस आई, इस तरह बनाकर लिख सकते नहीं। वो जब आपको, जब वो आपको वृत्त का केंद्र निकालना पड़ेगा वो तब की बात है, समझ रहे हैं सर आप। अच्छा, तो सर इसके जेड वन जेड टू जो होंगे वो वृत्त के केंद्र होंगे। वो वृत्त के केंद्र नहीं होंगे सर, उनको हमको हल करना पड़ेगा, उनको हमको पूरा का पूरा एक्स और वाई की फॉर्म में ले जाके हल करना पड़ेगा, तब पता चलेगा केंद्र क्या है। ऐसे देख करके मैं केंद्र नहीं बता सकता हूँ, है ना सर। ऐसे मैं देख करके केंद्र नहीं बता सकता हूँ कि वृत्त का केंद्र क्या होगा। हालांकि मैंने वृत्त के केंद्र की केंद्र के बारे में एक दिन मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था, आपको क्वेश्चन मैं एक सेकेंड दीजिए मैं ढूंढ करके बता देता हूँ। मैंने ग्रुप में एक दिन वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त के समीकरण के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन ग्रुप में किया था, है ना। चलो खैर बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हाँ सर, ठीक, मिल गया ठीक। सर वृत्त के समीकरण का जो इक्वेशन होता है, नोट कर लीजिए, वृत्त के समीकरण का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वृत्त के समीकरण का जो सम्मिश्र रूप होता है, सम्मिश्र रूप ये होता है जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर जीरो। ये वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप है, ठीक है ना। ये वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप है, जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप हुआ करता है। सर ये जनरल इक्वेशन है। हाँ ये जनरल इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, ये जो है ये जनरल इक्वेशन है, ठीक ना सर। ये वृत्त के समीकरण का जनरल इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वृत्त के समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं सम्मिश्र संख्या में, उसमें से एक पॉइंट ये है। और मुझे एक सेकेंड दीजिए तो मैं इसका आपको केंद्र भी बता देता हूँ। अगर बिना इसको हल करे केंद्र इसका पता लगाना है, इसके केंद्र का, तो भी कोई ना कोई इसकी तरकीब है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पेज नंबर 51 52। हाँ तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है वो है माइनस ऑफ ए, ओके। इसका सेंटर जो है, ये सेंटर इसका बनता है माइनस ऑफ ए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका सेंटर बनेगा। ए भी यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या है, तो सेंटर बनेगा माइनस ऑफ ए, और इसकी आप रेडियस लिख लीजिए, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ये लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो इसका सेंटर है ये और ये रेडियस है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, सेंटर है माइनस ए, माइनस ए और रेडियस है आपकी बी, ठीक है, क्लियर हुआ सर। बी यहाँ पे सर रियल नंबर है, रेडियस ही है सर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। आप देखिए रेडियस में मॉड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका मापांक निकलेगा तब ये एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। जब इसका मापांक निकलेगा तो ये एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। गुरुजी नमस्कार,
सूरज सर नमस्ते, आवाज आ रही है? नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते सर। चलिए तो मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा ट्रिक ही कह लीजिए है, या जिसको जो समझना है कह लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तीन निर्देशांक आपको त्रिभुज के दिए गए हैं, तीन वर्टेक्स दिए गए हैं। एक दिया गया है जेड, एक दिया गया है आई जेड, और एक दिया है जेड प्लस आई जेड। ये तीन निर्देशांक आपको दिए गए हैं, और इन तीन निर्देशांक से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको पता लगाना है कि इन तीन निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए, किसी को पता है? बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, और कई लोग तो इसको याद करके चले जाते हैं एग्जाम में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आता है आंसर मॉड जेड स्क्वायर अपॉन 2 होता है। बिल्कुल सही, 1/2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही, इसका आंसर होता है 1/2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपने कहा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अगर अर्गंड प्लेन पे आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर अर्गंड प्लेन में आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो आई का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई बाई टी टू से रोटेट कर देना। ले नोट कर लीजिए, और आपको वैसे भी पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर होता है वन, और वन के बाद इतना ही दूरी पर सर्कल में होता है आयोटा, इधर पे होता है माइनस वन, और इधर पे होता है माइनस का आयोटा, तो ये हुआ करता है। तो अपने पास देखिए, अपने पास में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड है। तो जेड मान लीजिए वो यहाँ पर है, तो उसका कुछ ना कुछ कोणांक होगा, थीटा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। इस पे आपने क्या कर दिया? आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा आई जेड। ओके, और देखिए दोनों का योग जेड और आई जेड, तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, ये वेक्टर को सपोर्ट करते हैं कि दो लगातार संलग्न भुजाएं होती हैं, तो तीसरा वाला इनका योग होता है, तो इसमें ये क्या कहला गया? जेड प्लस आई जेड। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका मापांक कितना आएगा भाई साहब? मॉड जेड। ओके, और इसका मापांक कितना आएगा? मॉड आई जेड। तो आई जेड का मापांक जेड ही आ जाएगा, क्योंकि आई का तो कुछ होता नहीं है, तो 1/2 मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। कही सूरज सर, क्लियर है एकदम? हेलो, हाँ जी सर, लोग बताइए क्लियर हो गया इसका फॉर्मूला? 1/2 यस सर, यस सर क्लियर। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो 1/2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकलेगा। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्टली ये रिलेशन है, और इस पर क्वेश्चन कई बार या तो एरिया निकालने को आ जाएगा, या डायरेक्टली दे देगा कि एरिया कुछ है तो जेड का मान बताइए। जैसे 1/2 और आपके पास बोल दिया मॉड जेड स्क्वायर बराबर आपको दे दिया मान लीजिए 200, कितना दे दिया है 200, और आपसे बोलेगा कि मॉड जेड का मान बताइए, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 400, तो मॉड जेड बराबर आ जाएगा कितना 20। तो कई बार मॉड जेड का मान निकालने को आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन ये है आपके पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके वर्टेक्स दिए गए हैं, विद वर्टेक्स जिसके शीर्ष दिए गए हैं। क्या शीर्ष दिए गए हैं? जेड दिया गया है, ओमेगा जेड दिया गया है, और जेड प्लस ओमेगा जेड दिया गया है। ये देखिए, तो पिछले बार आप आई का मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इस बार किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ओमेगा का। तो जेड ओमेगा जेड, और आपके पास जेड प्लस ओमेगा जेड। मित्रों तीन शीर्ष दिए गए हैं, और तीन शीर्ष का आपको निकालना है क्षेत्रफल। जल्दी से बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए क्षेत्रफल क्या होगा। है कोई आइडिया सर? इसका नहीं पता। चलिए तो इसको हम आपको करवाए देते हैं। देखिए ये आपको पता होगा कि ओमेगा का जो कोणांक होता है, ओके, ओमेगा का जो कोणांक हुआ करता है वो 60 डिग्री हुआ करता है। जैसे आई का मल्टीप्लाई करने पे
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने का कूणांक मिल जाता था, 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर आप किसी में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको 60 हंस का कूणांक मिल जाएगा। आपको यकीन ना हो तो आप ओमेगा का कूणांक निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से ओमेगा का मान बहुत सारे लोगों को पता होगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तो यहाँ से आप ओमेगा का कूणांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। देख लीजिए यदि निकालना हो तो इसको, ये हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस, एक बनेगा ओमेगा, एक बनेगा ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस ले लीजिए, ओके। और ये कितना हो जाएगा, प्लस √3/2 और आयोटा, ये देखिए। तो टेन थीटा बराबर -1/2 प्लस आयोटा √3/2। अगर इसका आप मापांक लेंगे तो एक आएगा, इसका आप मापांक लेंगे तो एक आएगा। और यदि टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए, मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो मतलब अगर रोटेशन की बात की जाए तो कितने अंश का कोण मिल जाएगा, 60 अंश का कोण। तो अपने पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है जेड और एक है ओमेगा जेड और एक है जेड प्लस ओमेगा जेड। तो ये देखिए, ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर यदि जेड है तो इसको 60 डिग्री से अगर आप रोटेट कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओमेगा जेड पे, ओके। आप पहुंच जाएंगे ओमेगा जेड पे और ये बन जाएगा क्या, जेड प्लस ओमेगा जेड। और ये कोण भी कितना होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो तीन यहाँ पर आपके पास में बन चुके हैं, तीनों तीनों कोण 60 डिग्री है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू √3/4 और साइड यहाँ पे क्या है, मॉड जेड। फॉर्मूला रट लीजिए, पिछले बार का होता था 1/2 और अगर आप ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 मॉड जेड का स्क्वायर, बाकी से कोई मतलब नहीं है। नोट करिए आंसर, √3/4 मॉड जेड का स्क्वायर। शीर से याद रखिएगा, जेड है, ओमेगा जेड है और क्या है, क्या है, जेड प्लस ओमेगा जेड। बोलिए सर, समझ में आई ट्रिक की नहीं आई? जी सर, यस सर, बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ, तो डायरेक्टली सर इसको आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना लीजिए कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसके शीर्ष जेड ओमेगा जेड होए, ओके, और जेड प्लस ओमेगा जेड होंगे, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो 3/2, 3/4 जेड स्क्वायर, ठीक है। और एक इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक है, कई सारी ट्रिक आज लेकर के आए हैं, एक ट्रिक और सुनिए आप। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके शीर्ष, अभी आपने पहली ट्रिक क्या देखी, जिसके शीर्ष हैं जेड, आई जेड और जेड प्लस आई जेड, तो क्षेत्रफल आपने क्या देखा, 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर। दूसरी ट्रिक आपने क्या देखी कि अगर आपके पास हो जेड, ओमेगा जेड और जेड प्लस ओमेगा जेड, तो क्षेत्रफल आपने देखा कितना, 3/4 मॉड जेड का स्क्वायर। एक और ट्रिक लिखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड हो, सॉरी, जिसके शीर्ष हो माइनस जेड, माइनस आई जेड और क्या, जेड माइनस आई जेड, मतलब माइनस आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 3/2 मॉड जेड का स्क्वायर। नोट कर सर, √3 कर दीजिएगा सेकंड में, कहाँ पे सर? हाँ, थैंक यू, सेकंड में सर, एग्जैक्टली सर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई लिखने में, √3/4 जेड स्क्वायर, राइट सर। थर्ड वाले में भी होगा कि इसमें 3/2 आएगा? सर 3/2 है, थर्ड वाले में सर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, 3/2 ही है, मैंने देख लिया, मेरे पास कॉपी जो ट्रिक की मैंने बनाई है, ओके सर, उसमें 3/2 ही है सर, ठीक है सर। सर हाँ सर, थर्ड वाले में हाँ वैसे फर्स्ट वाले के जैसे कर सकते हैं? हाँ सर, थर्ड वाले में फर्स्ट वाले के जैसे कर सकते हैं, परंतु रोटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है सर, माइनस आई करने में जो कुछ कुछ होता होगा सर, इस वजह से इसका आंसर अलग आ रहा है, ये ट्रिक है सर। तो इसका मेरे पास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन राइट नाउ मौजूद नहीं है, अभी आप लिख लीजिए कि एरिया मेड बाई ट्रैंगल, एरिया मेड बाई ट्रैंगल विद वर्टेक्स, विद वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स है माइनस जेड, माइनस आई जेड
और जेड माइनस आई जेड उसका है माइनस, उसका है 3/2 जेड स्क्वायर, और एक है जेड ओमेगा जेड, और जेड प्लस ओमेगा जेड जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो होगा कितना, √3/4 मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है सर, तीनों ट्रिक नोट कर ली? जी सर। ओके यस, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ मित्रों, 1+i की पावर का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप बहुत आराम से बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया आपके पास 1+i की पावर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी है, तो ये देखा करो आप सबसे पहले कि 1+i की पावर में, 1+i की पावर 4 जो होता है मित्रों, जानते हो कितना होता है 1+i की पावर 4? 1+i की पावर जो 4 हुआ करता है, निकाल करके देख लो, 1+i स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और इसको यदि ओपन करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1+2i और माइनस का 1 की होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर कितना हो गया -1, मतलब कि -4। तो याद रखो 1+i की पावर जो 4 बनता है वो कितना बनता है -4। अब ये देखा करो कि 1+i की पावर 4 में कितने जोड़े बनेंगे चार चार के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया 1+i की पावर 101, ओके, तो क्या सोचो चार पावर देखो कितना बनेगा, तो 1+i की पावर 4×25, चार जोड़े बन गए इसके 25 के, और प्लस कितना इंटू कितना 1+i, बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, 25×4 100 और 101, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर। हाँ तो भैया अब ये जो है ये 1+i की पावर 4 क्या देगा आपको, दे देगा माइनस का 4, तो ये बन जाएगा माइनस के 4 की पावर कितना, माइनस के 4 की पावर आपको बन जाएगा 25 इंटू 1+i, तो यही इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 4 की पावर 25। अगर पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर पावर सम संख्या होगी इवन नंबर होगी तो पावर पॉजिटिव आएगा। आइए देखते हैं, तो एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है TGT में 1+i की पावर 101 कितना होता है, एक और क्वेश्चन TGT का मैं लिख रहा हूँ आपके एग्जाम में आया हुआ, वो है 1+i की पावर 8 प्लस 1-i की पावर 8 का मान क्या होगा। अब बच्चे इसको सॉल्व करने लग गए, मेरी वाली ट्रिक देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली -4 की पावर जोड़ा, कितने जोड़े बन रहे हैं 2, और -4 की पावर 1-i, अगला क्या है 1-i, तो इसका भी वही हाल होता है -4 की पावर 2, क्योंकि 1-i भी करेंगे चाहे 1+i करें चाहे 1-i करें, ठीक है ना, दोनों का सेम हाल होगा पावर 4 करने के बाद में। तो ये भी 4 की पावर 2, ये भी 4 की पावर 2, 16+16 आंसर कितना होगा 32। बोलिए मित्रों क्लियर है कि नहीं है? जी सर क्लियर है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी लोग बता दें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? यस सर यस सर। चलिए 1+i की पावर 13 और प्लस 1-i की पावर 13, 4 की पावर का ख्याल रखें, 4×3 = 12, 4×3 = 12 मतलब 4 4 के यहाँ पे 3 पद बनेंगे, मतलब -4 की पावर 3 और एक 1+i बच जाएगा, और यहाँ पर -4 की पावर 3 और एक 1-i बचेगा। कहिए सर समझ में आया कि नहीं आया इतना? यस सर। हाँ भाई 1+i की पावर जो 4 होता है ना वो -4 बन जाता है, तो इसमें 13 पावर है, तो 4×3 = 12 और एक 13, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया -64 और ब्रैकेट में 1+i, और ये हो गया -64 और ब्रैकेट में 1-i, हम क्या करते हैं माइनस का 64 कॉमन ले लेते हैं, तो 1+i और इधर पे प्लस 1-i, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर -128। ये भी UP TGT का ही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ट्रिक बना लीजिए, क्या है ट्रिक बना लीजिए
कि वन की पावर आई, ठीक ना, अगर वन की पावर आई, वन प्लस आई की पावर 4m+n, कैसा समझेंगे? वन प्लस, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ट्रिक। ट्रिक क्या बनेगा इसका? इसका ट्रिक बनेगा वन प्लस आई की पावर, अगर 4m+n है, 4m+n, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस फोर का पावर, कितना जोड़ा? m जोड़ा और इनटू वन प्लस आई की पावर n, नोट कर लीजिए, ठीक है ना? नोट कर लीजिए, वन प्लस आई की पावर 4m+n यदि है। हाँ, माइक माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई सर का माइक ऑन है, अननेसेसरी माइक म्यूट कर लीजिए। तो वन प्लस आई हो या वन माइनस आई हो, का पावर 4m+n है, तो इसका क्या ट्रिक बनेगा? माइनस फोर की पावर m जितने बार है, और मल्टीप्लाई में वन प्लस आई या वन माइनस आई, जैसा क्वेश्चन हो। मित्रों समझ में आ गया कि नहीं आया? ट्रिक आ गई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ TGT एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ z-2/z, मॉड का वैल्यू 6 के इक्वल है, तो बताना है, तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, तो z का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक मिनट दिया आपको। √10 आ रही है क्या? 3+√10, 3+√10 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैडम, 3+√11 होगा, 3+√11 होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो z²-2/mod z बराबर 6 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर माइनस टू बराबर, स्क्वायर है तो ये मॉड ऑफ 6z, तो 6 बाहर आ जाएगा मॉड के, 6z बन गया, तो ये बन गया मॉड जेड स्क्वायर माइनस टू माइनस 6 mod z बराबर 0। अब मॉड जेड में ये वर्ग समीकरण बन गया, तो वर्ग समीकरण का वैल्यू मॉड जेड बराबर b²-4ac/2a माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस 6 है तो माइनस 6 का माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, b²-6 का स्क्वायर यानी +36 और माइनस 4ac, तो ये माइनस सी है, माइनस में तो 4 × 2 = 8 अपॉन 2a, तो 2 के नीचे कुछ नहीं आएगा। तो देखिए मॉड जेड बराबर 6 प्लस माइनस, 36 और 8 कितना होता है? 44 अपॉन कितना? 2। अब यहाँ से देखिए आप जो है 4 कॉमन लेंगे, तो जेड बराबर 6 प्लस माइनस, 4 का रूट कितना आएगा? 2, अंडर रूट 11 × 44/2, तो यहाँ से इसका मॉड जेड बराबर 3 + √11, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, तो 2 मान आ रहे हैं आप, एक अधिकतम और एक न्यूनतम मॉड जेड का मान, तो मॉड जेड का अधिकतम मान कितना होगा? 3 + √11, 3 + √11, बताइए, ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके ओके, तो मॉड जेड का अधिकतम मान होगा 3 + √11। चलिए इसी पर दोबारा एक क्वेश्चन दोबारा आया एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या था? मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का, और मिनिमम वैल्यू है z-4/z = 2 का मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, जल्दी से ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा इसका न्यूनतम मान? पिछले बार हम आपसे अधिकतम मान ज्ञात करवाए, और इस बार हम आपको बोल रहे हैं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा? सर
वन माइनस रूट फाइव होगा सर। वन माइनस रूट फाइव, हाँ सर बिल्कुल सही सर, इसका जो न्यूनतम मान होगा वन माइनस रूट फाइव होगा, एग्जैक्टली। चलिए सर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सूरज सर ने ही हमको उस दिन क्लास में मिस्टेक दूर करके बताए थे, वो क्वेश्चन सब आपको सामने लेकर के आते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मित्रों पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता दीजिए, कर लेंगे ना सब लोग? यस सर, कर लिया सर। चलिए हो गया सर। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स और वन का इस वन पावर वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान बोलिए क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन है ए है वन, बी है ई का वन बाई थ्री आएगा सर, सी का पावर ई का पावर वन बाई थ्री और डी का पावर है जीरो। वन बाई थ्री आना चाहिए था। हाँ, ई की पावर वन बाई थ्री। बिल्कुल सही सर, आपने ही सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर दिया था और ई का पावर वन बाई थ्री है। एक मिनट का समय देंगे हम अपने सभी सहयोगियों को कि वो बताएं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले करा दिया सर आपने? हाँ, इसको मैंने ग्रुप में डाला था। हाँ, वन की पावर इन्फिनिटी। यस, वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म का है, तो वही जो ट्रिक लगती है मंकी ट्रिक, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, है ना? ई की पावर, तो यस, तो ई की पावर में पावर इनटू बेस माइनस वन। हाँ, टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इनटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सब लोग कर लेंगे कि मैं इसको सॉल्व करूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कर लेंगे ना सब लोग? नहीं नहीं नहीं, कर लेंगे सर, कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद एल हॉस्पिटल लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अब इसके बाद आप लोग एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, ठीक है सर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ट्रिक लिखिए, ट्रिक है या फॉर्मूला कह लीजिए, ट्रिक है, जैसे आपके पास कोई नंबर है ए और आपके पास कोई नंबर है बी, ओके, और इसके बीच में एन जी एम बैठे हुए हैं, जी वन जी टू जी थ्री अप टू ये जी एन बैठे हुए हैं। आपको इनका सभी का प्रोडक्ट निकालना है, जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी फोर डॉट 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 जी एन, सभी का प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, बता सकते हैं आप लोग कितना होता है? देखिए सर, हमें लग रहा है ये ए एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, इनके सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणन निकालना है, सभी ए बी की पावर वन कौन आएगा? देखिए, इसका आंसर होगा ए इंटू बी की पावर एन बाई टू, ठीक है? कितना होगा? ए बी की पावर एन बाई टू, फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, ए बी की पावर एन बाई टू। अगर एन गुणोत्तर माध्यों का जो गुणन होता है वो होता है ए इंटू बी की पावर एन बाई टू, ठीक है? एन गुणोत्तर माध्यों का गुणन होता है ए बी की पावर एन बाई टू। इसको कहते ऐसा है कि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू बी की पावर एन, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू बी की पावर एन, तो प्रोडक्ट बराबर होता है ए इंटू बी का पावर एन बाई टू, ये इसका गुणन निकलता है। अब आइए इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना? अब आप यदि ये भी कहेंगे कि सर इसका आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए इसको कर भी लेते हैं एक बार सॉल्व। ये ए है, यहाँ आएगा जी वन, यहाँ आएगा जी टू, यहाँ आएगा जी थ्री डॉट 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 जी एन और यहाँ पे आएगा बी। तो यदि मैं कहूँ जी वन, तो जी वन कितना होगा? ए इंटू आर होगा। जी टू कितना होगा? ए इंटू आर का स्क्वायर होगा। और इस तरीके से जो अपने पास जी एन होगा वो होगा भैया बी अपॉन आर, क्योंकि यहाँ से सर ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो आर का प्रोडक्ट करेंगे तो बी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना सर? या ये कह लीजिए, इसको हम जी एन को क्या लिख सकते हैं सर? जी एन को लिख सकते हैं हम ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक ना सर? एन माइनस टू, जी वन बराबर ए आर है, हाँ सर, एन माइनस वन ही होगा,
और यहाँ पे सर एक्चुअली एक मिनट सर, टोटल हो गए एन प्लस वन टर्न, ये पहला टर्न है, ये दूसरा सर ये जी एन होगा ए आर की पावर एन, जी एन होगा जी सर ए आर की पावर एन होगा, हाँ वो एन प्लस वन वा टर्म है ना सर, जी एन हो गया एन प्लस वन वा टर्म, बिल्कुल सही बात है सर, ए आर की पावर एन बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, ये हो गया ए आर की पावर एन। अब यदि हम इनका मल्टीप्लाई कर दें जी वन एन टू जी टू अप टू जी एन का, तो सर ये सबसे पहली बात है ये हो गया ए की पावर एन हो गया इन टू आर, तो जीपी में चला गया सर है ना, आर की पावर हाँ एन एन प्लस वन बाई टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन पदों का योग, तो ये हो गया भैया ए की पावर एन और ये हो गया एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ से एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, अब यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम किस फॉर्म में लिखें कि a इंटू बी की पावर n बाई टू बन जाए, क्योंकि हमें सर b की एंट्री करनी है। पावर हेलो हाँ सर, सर जो b का वैल्यू है ना वो हम निकालेंगे, b है ar की पावर n, b जो है n प्लस टू वा टर्म है, b है n प्लस टू वा टर्म, बिल्कुल सही है सर, n प्लस टू वा टर्म b है, पावर n प्लस वन, बिल्कुल सही, ar की पावर n प्लस वन है, हाँ, तो r की पावर n प्लस 1 का वैल्यू b अपान a हो जाएगी, बिल्कुल सही सर, r की पावर n प्लस 1 की वैल्यू जो है वो b अपान a हो जाएगी, तो यहाँ यही वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सर अपने पास n by 2 ही तो है, तो इसको क्या करा जाए, r की पावर n into n प्लस 1 by 2 है, इसमें पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, r की पावर n into n प्लस 1 by 2 is equal to b की b अपान a की पावर में n by 2, R की पावर n, सर वही हेलो हाँ सर सुन रहा हूँ सुन रहा, एक मिनट सर, सर उसको जो R की पावर n into n plus 1 by 2 है उसको R की पावर n plus 1 का होल पावर में n by 2 कर दीजिए, समझ गया सर, मैं जो लिख रहा हूँ उस स्टेप को देखिए, R की पावर n plus 1 का n by 2 है वो b अपॉन a का पावर n by 2 बन जाएगा, यही कह रहे हैं ना आप, हाँ हाँ बस हो गया सर काम, b अपॉन a का पावर n by 2 और ये हो गया a की पावर n by 2 और b का पावर n by 2, ठीक है ना सर, हाँ, हाँ, हाँ. एक मिनट सर, एक स्टेप ऊपर ये आ गया भैया a b का होल पावर कितना n by 2, मतलब अपना ट्रिक बिल्कुल सही है सर, कहने का मतलब जो अपन ने ये लिखा है रिजल्ट, कि सभी ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल होता है a इंटू b की पावर n by 2, तो यदि ये सब असुविधा से बचना है तो एक हमारी ट्रिक सीधी बात है, a से लेकर के b तक अगर आपके पास n गुणोत्तर माध्य हैं तो n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल डायरेक्टली a इंटू b की पावर n by 2, ठीक है ना सर, बिल्कुल सर, ये कह लीजिए p स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर a इंटू b की पावर n, तो p बराबर a इंटू b की पावर n by 2 भी समझा जा सकता है, थैंक यू सर। चलिए अगला सवाल इस पर जो आया TGT में वो क्या था, प्रश्न था कि a और 1 अपॉन a के मध्य में n गुणोत्तर माध्य हैं, इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य हैं, तो आपको बताना था कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा p 1, तो देखिए भैया a इंटू b का पावर n by 2 अभी हमने पढ़ लिया और अभी यहाँ पे है a है और 1 अपॉन a है, पावर की चिंता नहीं है, अब 1 का पावर कुछ भी होगा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, तो a इंटू 1 अपॉन a की पावर n by 2 यानी कि 1, तो a और 1 अपॉन के a के मध्य में n गुणोत्तर माध्यों का जो गुणनफल आएगा वो 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ उस संबंध एवं फलन का क्वेश्चन आया है TGT में, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड फंक्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का दिया, बहुत लोगों से छूट गया क्योंकि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट सेट जेड ऑफ इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट डिफाइंड बाई ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी माइनस वन, मतलब कुल मिला करके एक संबंध है जो जेड से जेड में परिभाषित है, जेड से जेड में परिभाषित एक संबंध है और उस संबंध का प्रकार इस तरीके से है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए द्विपद संक्रियक बी बराबर ए प्लस बी माइनस प्लस का वन, ये दिया है बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच में। अब कह रहा है तो माइनस टू का
प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। माइनस टू का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ कि एक मिनट में इस प्रश्न का आंसर निकाल दीजिए। छोटा क्वेश्चन है क्योंकि, तो संक्रिया ये दी गई है द्विप संक्रिया और आपको माइनस टू का प्रतिलोम ज्ञात करना है, मतलब a बराबर माइनस टू लेना है और उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। करिए कैसे करेंगे, एक मिनट आपके पास में है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन है ए वन, बी है माइनस वन, सी है प्लस वन बाई टू और डी है माइनस वन बाई टू। और एक और ऑप्शन ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे जीरो करना है और यहाँ पे मेरे को करना है, स्क्रॉल करना है मेरे को, कितना क्या लिखा है यार, ये वन की पावर वन रेस टू वन बाई टू ये लिखा है। एक सही एक बटे दो यानी तीन बटे दो। चलिए कोई आइडिया है इसका मित्रों, अजय सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन। सर ऑप्शन दिखाइए, जीरो होगा सर। अरे सर सर तो जीरो आ रहा, जीरो। सूरज सर ने कह दिया तो आंसर होना ही पड़ेगा भाई, अग्निबाण छोड़ते हैं सूरज सर। आइए देखिए सर, बिल्कुल सही जवाब है आपके पास। सबसे पहले जो संबंध दिया गया है वो दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन। देखिए प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए तत्समक अवयव ई, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। अब ये जो अवयव होता है इसका कुछ ऐसा होता है कि अगर ए का ऑपरेशन आप ए इनवर्स के साथ करेंगे तो ई आएगा। ये अवयव ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अगर ए का ऑपरेशन अगर आप ए इनवर्स के साथ करेंगे तो ई आना चाहिए। क्या आएगा? ई आएगा, ये कहलाएगा तत्समक अवयव। तो हमको सबसे पहले ई की पहचान करनी है, हमको सबसे पहले ई की पहचान करनी है और ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, अब हम लगाते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेशन और अगर E के साथ आप ऑपरेशन करेंगे तो वही आएगा। ये भी याद रखिएगा कि A के साथ अगर E का ऑपरेशन करेंगे, इसको ये भी बोलते हैं A O E या इसको A ऑपरेशन E बोलते हैं तो A आता है क्योंकि इसका नाम है तत्समक। ये तत्समक अवयव है। तो आइए देखिए भैया, अपने पास A है तो अपन यहाँ A का ऑपरेशन E के साथ करते हैं तो A ऑपरेशन E बराबर आएगा, क्या आना चाहिए है, तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी होती है कि ए के साथ ई का ऑपरेशन करने पर ए ही आएगा। तो यहाँ से ऑपरेशन लगाइए, क्या परिभाषा है ए बाई ऑपरेशन बी के, ए प्लस बी माइनस वन, तो यहाँ ए प्लस ई माइनस वन बराबर ए मिलना चाहिए। ए से ए कैंसिल हो गया, ई माइनस वन बराबर जीरो, अर्थात ई का मान वन के बराबर हो गया, ई पता चल गया। अरे सर माइनस वन आना चाहिए, ये क्या हो रहा है? सर जी गलती हो गई सर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस वन आएगा। सही सर, हमने ऑपरेशन ही गलत लिख लिया ना सर, है ना, प्लस आएगा, बिल्कुल सही माइनस। अब ठीक है सर, हाँ हाँ सर ठीक है, हाँ अब देखिए, बिल्कुल सर एकदम करेक्ट, ठीक है सर। अब देखिए सर, अब अपन के पास में ये वाली अवधारणा लगेगी कि ए ऑपरेशन इनवर्स बराबर कितना होगा, ई होगा। अब हमारे पास जो दो है, ए दो को रखा है क्योंकि दो का इनवर्स निकालना है, ओके ए हमारे पास दो है, दो का ऑपरेशन हमको लगाना है दो इनवर्स के साथ और काय का वैल्यू आएगी ई और ई का मान कितना दिया है माइनस वन। तो अभी हमने पढ़ा ए प्लस बी, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन। सर माइनस टू पे सर चेक किया गया है, माइनस टू। अच्छा माइनस टू पे है सर, मिस्टेक हो गई, माइनस टू हमने ध्यान नहीं दिया, माइनस टू पे चेक करेंगे। माइनस टू है, ये माइनस टू का इनवर्स है तो ये माइनस टू प्लस ए प्लस बी, बी यानी माइनस टू का इनवर्स और प्लस का वन बराबर माइनस का वन। तो देखिए
माइनस दो और प्लस एक हो गए माइनस एक वहाँ जा करके हो जाएगा कितना, प्लस एक हो जाएगा और ये बराबर जीरो। इस तरीके से अपने पास जो ए का इन्वर्स आ रहा है, माइनस टू का इन्वर्स आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। ठीक है सर, आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले आपको तत्समक अवयव निकालना पड़ता है, और तत्समक अवयव की जो परिभाषा निकलती है वो इस तरीके से निकलती है कि ए का बाइनरी ऑपरेशन अगर आप ए इनवर्स के साथ कर देंगे तो ई आ जाएगा। ए का बाइनरी ऑपरेशन आप ए इनवर्स के साथ कर देंगे ई आ जाएगा, और ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ए होता है। तो इसका उपयोग करके पहले ई निकाल लीजिए, फिर इस ई को यहाँ पुट कर दीजिए तो उगल देगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है ना? बोलें सूरज सर, एकदम ठीक है सर। ठीक सर, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं मित्रों। अगला सवाल है, क्वेश्चन लिखिए, श्रेणी का योग निकालना है अनंत पदों तक का। अनंत पदों तक की श्रेणी का योग निकालना है। श्रेणी है 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 7 बाई 2 का क्यूब, ओके, प्लस डॉट 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 डॉट, अनंत पदों की श्रेणी है। योग बताना है आपको क्या होगा। योग मैं लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी दिया है 6, सी दिया है 9 और डी दिया है 12। बताइए इसके अनंत पदों का योग क्या होगा। चलिए देखिए क्या है ये, कैसी श्रेणी है ये। देखिए यहाँ पे इसको वन ले लें तो एक आपके पास श्रेणी बन रही है जो ए पी है, एक आपके पास समानांतरी श्रेणी बन रही है। ध्यान से देखिए, एक श्रेणी आपके पास में समानांतरी श्रेणी है पूर्ण रूप से, जिसमें आपके पास है 1, 3, 5, 7। तो ये है पहली श्रेणी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये जा रही है। और दूसरी आपके पास में बन रही है जी पी, जो है 1 बाई टू का स्क्वायर, 1 बाई टू का क्यूब, ये जी पी बन रही है। तो ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं हम समानांतरी गुणोत्तरी श्रेणी। समानांतरी गुणोत्तरी श्रेणी का एन पदों का योगफल तो बहुत खतरनाक आता है, मगर अनंत पदों का योगफल का फार्मूला इसका आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, वही जी पी वाला, और फिर इसके बाद होता है डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, अनंत पदों का योगफल होता है ऐसे, इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। एन पदों का होता तो हम एक दो पद करके निकाल लेते, कहे को फार्मूला लगाते, सीधे दो पद का योग देख करके एन का मान रख के निकाल लेते, मगर अब अपने पास भैया ये अनंत पद है तो अनंत पद के लिए फार्मूला एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है। चलिए जल्दी से लगाइए इसको और बताइए क्या होगा। ए देख लीजिए, प्रथम पद है 1 और डी 6 आएगा सर। कितना? बिल्कुल सही सर, 6 करेक्ट आंसर है इसका, 6। बताइए मित्रों सही है, समझ में आ गया? क्या सर, DR की वैल्यू क्या होगी? डी कॉमन डिफरेंस है, आर कॉमन रेशियो। डी कॉमन डिफरेंस है सर, 1 और डी के बीच का गैप 2 है और आर कॉमन रेशियो यानी 1/2। हाँ सर, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ने की इजाजत है? जी सर, आ गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस बार का GIC का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश GIC जो मेंस हुआ था उसका सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। सवाल है, इफ ए बराबर
कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 है, तो आपको बताना है, तो वैल्यू बतानी है आपको 1 प्लस ए अपॉन 2 का होल पावर 3n पाई प्लस, चलिए कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 है, तो आपको 1 प्लस ए अपॉन 2 का होल पावर 3n का वैल्यू बताइए। देखिए जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाए इसका मतलब ये पक्का कहीं ना कहीं आइलर थ्योरम डिमोवियर थ्योरम से सॉल्व होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, तो 1 प्लस ए की पावर ए बाई 2 यानी 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितना 3n। अब आप लोग सब लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी ये बचेगा 2 पाई बाई 3 प्लस आई इन टू, इसको फोड़ दो इसमें डबल एंगल में, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3 का होल पावर कितना भैया 3n, और डिवाइड में कितना है 2, 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्या कॉमन आ गया, देखिए कॉस 2 पाई बाई 3 इसके पास में है और कॉस 2 पाई बाई 3 इसके पास में है, तो कॉस 2 पाई बाई 3 का होल पावर 3n बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है केवल एक अकेला कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। आगे करते हैं, क्या बचा है, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 की पावर n, और यहाँ पे कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। अब टिग्नोमेट्री सबको आता है, कॉस 2 पाई बाई 3 मतलब माइनस 1 अपॉन 2 का होल पावर n, सॉरी 3n है, ये गलती हो गई, यहाँ भी कितना है 3n है, यहाँ भी 3n है। अब जानते हैं सब लोग कॉस 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री माइनस 1 बाई 2 प्लस आई साइन 120 डिग्री रूट 3 बाई 2, तो ये कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 3n और माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। सूरज सर इसको क्या बोलते हैं, ये कुछ दिख रहा है, हाँ ये है ओमेगा, क्या है ये ओमेगा, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 3n है, ये तो बना रहेगा, और ओमेगा का पावर 3n सबको पता है क्या होता है 1, ओमेगा का पावर 3n कितना होता है 1, तो इसका आंसर आया था माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 3n। कहिए मित्रों क्लियर है सभी को अच्छे से, यस सर, हाँ तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन जीआईसी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पीजीटी, चलिए यूपी पीजीटी का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर xn बराबर है, xn बराबर cos ऑफ पाई का पावर 2 की पावर n, आप लोगों ने अगर अपना यूथ का बुक लगाया है तो ये क्वेश्चन जरूर टकराया होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, साइन ऑफ पाई का पावर 2 की पावर n, ये क्वेश्चन है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपके पास में है n बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक है, कुछ नेचुरल नंबर लीजिए इसको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको बताना है कि देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट 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 इंटू xn क्या होगा। अब देखिए साफ साफ कह रहा भैया कि n टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब ये गुणनफल हमको कहाँ तक लेके जाना है, अनंत पदों का गुणनफल है ये, n से मतलब नहीं है, अब ये जो है ये अनंत पदों का गुणन है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, पीजीटी में आया है परंतु काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है -1 और डी ऑप्शन है पाई बाई 2।
माइनस वन, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया। तारीफ की बात यह है कि बहुत ही कम समय में आपने जवाब दे दिया। देखिए सबसे पहले अपने पास जो फलन है वो दिया गया है x की पावर n बराबर cos ऑफ पाई की पावर 2n और प्लस i sin पाई की पावर 2n, ये है। चलिए तो भैया x1 x2 x3 x1 into x2 into x3 अब .. xn करते हैं तो आपको दिख रहा है कि जो पहला बनेगा 2 की पावर 1 बनेगा, 2 की पावर 1 यानी पाई बाई 2 और यहाँ भी पाई बाई 2, तो आइलर थ्योरम से ये क्या बन जाएगा e की पावर i पाई बाई 2। अगला क्या बनेगा मल्टीप्लाई में, जब आप 2 रखोगे तो पाई बाई 2 की पावर 2 आएगा यानी 4 और ये भी 4, मतलब e की पावर i पाई बाई 4। अगला आएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा e की पावर i पाई बाई 8, अब 2 करते 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 अनंत पदों तक जाएगा, है ना जी, अनंत पदों तक जाएगा। अब यदि इन सब का हम गुणा कर दें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर e की पावर i पाई सब वैसे जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है, तो घाते जुड़ जाती हैं i पाई बाई 2 प्लस i पाई बाई 4 प्लस i पाई बाई 8 अप टू अनंत पदों तक जुड़ेगा। अब यहाँ से यदि मैं i पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया यहाँ से 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 अब टू अनंत पदों तक ये चला गया, जो कि एक जीपी है और आप लोग को अब तक याद हो चुका होगा कि 1 बाई 2 से जो जीपी शुरू होती है उसका योग भी 1 बाई 2 आता है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आई पाई, तो सॉल्व करेंगे तो ए यानी 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 बाई 2, सॉरी 1 आएगा योग, गलती से मैं 1 बाई 2 बोल गया, तो आधे में से आधा कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया ई की पावर आई पाई। ये देखिए अब e की पावर i पाई को ओपन कर दीजिए, e की पावर i पाई बराबर होगा cos पाई प्लस i sin पाई, cos पाई की वैल्यू माइनस वन और i इंटू जीरो बराबर माइनस वन। मैडम आपने काफ़ी जल्दी इसका आंसर निकाल करके दे दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक आपके पास इससे भी छोटी उपलब्ध है क्या? सर नहीं, यही प्रोसेस लगाई थी जो आपने लगाई है। जी 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 ठीक है सर, इस क्वेश्चन का तो आंसर याद हो गया है। हाँ सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर याद हो जाना भी बहुत बढ़िया संकेत है। कॉस पाई अपॉन टू की पावर एन प्लस आई साइन पाई अपॉन टू की पावर एन का मान माइनस वन। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से जीआईसी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का, नहीं वो आगे बताएंगे, अभी हम आपको टीजीटी वाला क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर फोर होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर थ्री। देखिए इन क्वेश्चंस में बहुत ही करीब से वॉच करने की ज़रूरत होती है, बस ज़रा देखिए क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में ऊपर जो आपके पास में है आई कॉस थीटा है और नीचे कॉस है, मतलब यदि मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर तो आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे आई साइन थीटा है, मतलब कुल मिला के क्या करना है मेरे को, ऊपर माइनस आई का गुणा करना है, ऊपर मेरे को अंदर किसका गुणा करना है माइनस आई का। एक तरीका ये हो सकता है माइनस आई का मेरे को ऊपर गुणा करना है, अगर मैंने माइनस आई का ऊपर गुणा कर दिया तो काम मेरा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो क्या करना है भाई अपने पास, माइनस आई मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर फोर। तो मैंने माइनस आई को ब्रैकेट में लेकर के साथ में गुणा करा तो मुझे माइनस आई की पावर फोर का नीचे भाग भी देना पड़ेगा, और माइनस आई की पावर फोर कितना हो जाएगा भाई साहब, वन ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर होता है वन और ये भी वन हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये नीचे वही रहेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आइए मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये हो गया अपने पास माइनस आई साइन थीटा और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस वन। ओके आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास माइनस वन, और आई इंटू आई ये हो गया माइनस का वन, हाँ प्लस का वन
कॉस ऑफ थीटा का होल पावर 4, और ये है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ऊपर का पावर 4 है, नीचे का पावर 3 है, तो एक पावर कट जाएगा, केवल एक पावर बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। ऑप्शन उपलब्ध था ई की पावर माइनस आई थीटा। नोट कर लीजिए, ई की पावर माइनस आई थीटा, आइलर फॉर्म में ये क्वेश्चन का ऑप्शन उपलब्ध था। तो बहुत इनमें कोई केवल एक ही ट्रिक होती है कि आराम से वॉच करिए, आई का अंदर पावर का केयरफुली मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और जो पावर आ रही है उसको बाहर ले लीजिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से जीआईसी का क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आया इफ एक्स बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और वाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो पूछा गया था वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और वाई बराबर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। मित्रों, जीआईसी फिर से आने वाली है और जीआईसी के पेपर का जो हमने एनालिसिस करा है, हम आपको बताएं कि जीआईसी मेंस का जो पेपर होता है वो ये देखता है कि आपके अंदर कंसेप्ट डिटेल वाला कितना है, उनको शॉर्ट ट्रिक से मतलब नहीं होता है। जीआईसी मेंस में वो चेक करते हैं कि आप कंसेप्चुअली लिखावट में कितने पारंगत हो, कितना स्टेप करके लिखते हो, जीआईसी मेंस जो लिखना पड़ता है, तो उसका ही ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास में जो निकालना है अपने पास में वो क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो भैया एक्स अपने पास कितना है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और वाई कितना है, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो माइनस करेंगे कॉस बीटा और माइनस आई साइन बीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस अटैक कर देगा, और यहाँ कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। यहाँ देखिए, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस आई कॉमन ले लिया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और इधर पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई कॉमन ले लिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी है एक ऐसा विलक्षण फार्मूला है जिसमें दोनों साइन आता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बटे दो और साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो, ये होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटे दो। इधर आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे दो और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बटे दो, प्लस आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, माइनस आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू आएगा क्या सर, माइनस आई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। सर आंसर आ रहा है, एक माइनस साइन का गड़बड़ी आपने कर दिया है ऐसा लग रहा है सर, है ना, एक माइनस साइन नहीं आ रहा है सर, अब वो अंत में पता चल जाएगा, हो सकता कहीं हमने ही गलत ना लिख दिया हो, कहीं मिसप्रिंट हो गया हो, तो चलिए देख लेते हैं, वैसे हमने कोशिश पूरी करी है। आंसर हमारा आया है आई टेन अल्फा माइनस बीटा बटे दो। एनी वे सॉल्व करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बटे दो। अब आप देखिए ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से सर ये सर हाँ सर हाँ 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 ठीक 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 सर एकदम सही है सर। ऊपर से देखिए आप जो है ऊपर से अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन, यहाँ पे हम देखिए टू भूल गए हैं, तो इधर पे भी टू आएगा, इधर पे भी टू आएगा, सबसे पहले टू 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 कैंसिल कर दीजिए। अब जो कॉमन आ रहा है देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ऊपर से कॉमन आ गया। ओके, तो ऊपर से कॉमन आ गया अपने पास क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और नीचे से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये आया कॉमन और ये आया। चलिए तो इसको लिखते हैं, अपन क्या लिखेंगे, ऊपर से हमने लिया कॉमन साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो और नीचे से क्या कॉमन लिया,
कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे दो। ऊपर क्या बचा है वो मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो कॉमन ले लिया था, तो देखिए ऊपर बचा है माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस आई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो, ठीक है, और प्लस आई कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे दो, ये हो गया। और इधर क्या बचा है, इधर बचा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटे दो और प्लस का आई साइन अल्फा, क्या बचा भैया, अल्फा प्लस बीटा बटे दो, अल्फा प्लस बीटा बटे दो। फिर वही कहानी आकर के रुक गई। ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें पूरे में नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आई हो जाएगा और ये माइनस साइन हो जाएगा, और अगर हम नीचे आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऊपर भी आई का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, और आई का मल्टीप्लाई होने से ये दोनों सेम बन गए, तो ये हो गए कैंसिल और आंसर आ गया आई साइन अपॉन कॉस यानी टेन अल्फा माइनस बीटा बटे दो। बताइए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, कहिए, कुछ कह रहे थे सर? ये कह रहे थे कि ऊपर वाले से जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर से हम माइनस आई को आई स्क्वायर बदल के आई कॉमन ले ले तो सीधे सीधे तुम्हें कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी को गुणा पसंद होता है, किसी को कॉमन लेना पसंद होता है। जी सर, आपकी स्पीड कॉमन लेने में, बिल्कुल आप कॉमन लेके करिए सर। मेरे को गुणा दिख गया तो मैंने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों में लगभग समान समय लगता है ना? हाँ सर, जी सर, ठीक है सर। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया सभी को मित्रों कि नहीं हुआ? जी सर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, हालांकि मैं ये पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल दूंगा इसका बना करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थक जाएं आप लोग, मन जब हो जाए तो बता दीजिएगा, क्लास जम गई है तो मन लगने लगता है, आप लोग जब रिप्लाई करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। सर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अरे धन्यवाद सर, ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, बस ये आधा घंटे में सब कुछ कमाल हो गया थोड़ा बहुत, मगर ये है कि कोशिश रहती है सर कि एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन लिए जाएं, जिससे कि आप लोग का सही सही उसमें विकास हो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए अपने पास है n इनफाइनाइट जीपी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया हूँ, आज पूछ रहा हूँ कितने लोग से बनता है। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म x है, जिसका फर्स्ट टर्म एक्स है और इसका सम दिया हुआ है पाँच, सम दिया हुआ है पाँच, तो आपको बताना है एक्स का मान कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्स लाइज, ओके। इंटरवल दिया गया है पहला एक्स का मान एक से लेके नौ तक, दूसरा एक्स का मान जीरो से लेके टेन तक, तीसरा एक्स का मान दो से लेके आठ तक और चौथा एक्स का मान नन ऑफ दीज। ये चार इंटरवल दिए गए हैं, बेहद सरल सवाल मगर बहुत ही रेपुटेटेड क्वेश्चन, लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए बताइए, पहला टर्म एस है ना, पहला टर्म एक्स है और सम दिया है पाँच, सम दिया है पाँच, तो अपन जानते हैं कि इन्फाइनाइट जीपी जो s इन्फिनिटी बराबर होता है a अपॉन वन माइनस r, इसका शर्त होता है कि r का मॉडुलस एक से कम होना चाहिए। तो s इन्फिनिटी कितना दिया है, पाँच दिया है, a कितना दिया है, x दिया है, और ये कितना दिया है, वन माइनस r, तो हम r पे खेलेंगे जीरो से दस सर। बिल्कुल सही सर, वेरी गुड सर। तो फाइव हो गया, फाइव माइनस फाइव r बराबर x हो गया, तो यहाँ से फाइव माइनस x इक्वल टू फाइव r, तो r बराबर हो गया 5 माइनस एक्स अपॉन फाइव, सही है ना सर, 5 माइनस एक्स अपॉन फाइव आर का वैल्यू। सूरज सर, हाँ सर ठीक है सर, r का वैल्यू 5 माइनस एक्स अपॉन फाइव, और हम जानते हैं कि मॉड r जो होता है 1 से कम होता है, मतलब r का वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में होता है, तो यानी अपने पास r की वैल्यू यानी 5 माइनस एक्स अपॉन फाइव जो होगा वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा, गुणा कर दीजिए पाँच का, तो ये हो गया माइनस फाइव, ये हो गया फाइव माइनस एक्स और ये हो गया प्लस का फाइव, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, और एक्स माइनस फाइव जो हो जाएगा माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, पाँच से छोटा हो जाएगा और माइनस पाँच से बड़ा हो जाएगा,
पाँच से छोटा और माइनस पाँच से बड़ा, ठीक है ना सर? हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ अब देखिए हमको यहाँ से इसको एक्स को गायब करना है, तो यहाँ पे हमको पाँच को ऐड करना पड़ेगा, तो पाँच ऐड करेंगे तो माइनस पाँच प्लस पाँच हो गया जीरो, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया दस, मतलब एक्स का वैल्यू ओपन इंटरवल शून्य से लेके दस, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू ओपन इंटरवल शून्य से लेके दस। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल, ग्यारहवीं क्लास का सवाल, क्वेश्चन आया यूपी टीजीटी में कि शब्द मैथमेटिक्स एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस को इस्तेमाल करते हुए ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें जो हैं जिनमें स्वर हमेशा साथ में आए, स्वर साथ हों, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि स्वर साथ हों, स्वर आपको साथ में रखना है। तो भैया व्यंजन और स्वर की अलग अलग जोड़ी बना लो सबसे पहले आप, तो एम है व्यंजन, टी है व्यंजन, एच है व्यंजन, एम है व्यंजन, टी है व्यंजन, सी है व्यंजन, एस है व्यंजन, और ए है स्वर ये वाला, फिर ई है स्वर ये वाला, फिर ए है स्वर ये वाला, फिर आई है स्वर, मतलब चार स्वर हैं। अब ये देखिए कितने शब्द हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात शब्द भैया ये हैं, तो ये सात जो हैं एक साथ रहेंगे और ये भी एक साथ रहेंगे, तो इनको क्या करो, इनको रस्सी से बांध दो जिससे ये कहीं जा ना पाए, तो सात ये और एक साथ रहने वाले एक रस्सी से बांध दिए, तो इसको आठ काउंट कर लो आठ, तो टोटल शब्द बनने वाले कितने हो गए, फैक्टोरियल आठ। अब फैक्टोरियल आठ में ये दो एम रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इनका फैक्टोरियल टू लगेगा, इसके अंदर कौन है दो टी, दो बार टी भी आया है तो फैक्टोरियल टू होगा। अब इनकी बारी आई, ये अंदर ये शब्द कितने तरीके से धमा चौकड़ी करेंगे, क्योंकि चार हैं तो फैक्टोरियल चार की धमा चौकड़ी, मगर उसमें दो समान हैं तो फैक्टोरियल दो बराबर हैं, यही इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा एक दो शून्य नौ छः जीरो, 1,20,960 शब्द, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी मित्र को हमारे, बन जाएगा ना सबको, बहुत इजी है ये, तो क्या पूछना है इसमें, सबको बन जाएगा ये। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है सम ऑफ एंटम्स, एक आपके पास में स्पेशल सीरीज दे रहा हूँ और आपको उसके एन पदों का योग ज्ञात करना है, और सीरीज आपके पास में है कितनी है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 ओके प्लस 15/16, ठीक है ना, 15/16, तो हो क्या रहा है, 2 का डबल 4, 4 में से एक कम 3, 4 का डबल 8, 8 में से एक कम 7, 8 का डबल 16, 16 में से एक कम 15/16, इस तरीके से ये सीरीज है और आपको इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 2n-n-1, दूसरा ऑप्शन 1-2n, तीसरा ऑप्शन n+2n-1, चौथा ऑप्शन 2n-1। चलिए सॉल्व करिए, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया है, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन में ऑप्शन के बगैर क्या कहना, सीरीज का क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत हेल्प करता है। ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, कैसे किया मैडम बताइए जनता को जी। हाँ बताइए मैडम कैसे किए, इसमें n की वैल्यू हमने पुट कर ली, n की जगह पे 2 रख लिया है, दो टर्म्स का सम ले लिया है और फिर वही ऑप्शन से चेक कर लिया। बिल्कुल सही है, देखिए अपने पास दो पद हैं, हम दो पदों का योग निकाल लेते हैं और फिर हम n के लिए चेक कर लेंगे, तो दो पदों का योग 1/2 और 3/4, तो एलसीएम आ गया इसका 4, 2
दो हो गया यहाँ पे दो और प्लस तीन, मतलब पाँच बटे चार आना चाहिए योग कब, जब n बराबर दो रखो। भैया n बराबर एक भी रख सकते थे, मगर n की वैल्यू एक रखने पर हो सकता है दो ऑप्शन कहीं पर टाई हो जाएं, दो मैच हो जाएं, इसलिए ज़्यादा सुरक्षित n इक्वल टू दो होता है। चलिए अब आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन में n की जगह दो, तो दो की पावर दो माइनस एक चार, माइनस दो माइनस एक, तो चार में से तीन गए एक आ गया योग, जो कि संभव नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी गलत। अगला वन माइनस टू और n की पावर माइनस टू, यानी वन माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा, जो कि थ्री बाई फोर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला n यानी कि टू, टू की पावर माइनस n यानी कि वन बाई फोर और माइनस का वन, ठीक है ना। तो दो में से एक गए एक प्लस एक बटे चार, साफ दिख रहा है आंसर पाँच बटे चार, तो करेक्ट आंसर होगा इसका थ्री नंबर। चलिए क्लियर है सभी को। सबको क्लियर है मित्रों? हाँ हाँ सर क्लियर है, जी सर क्लियर है सर, जी सर जी सर जी सर। चलिए सर इसके इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होगा? सर इसके अनंत पदों का योग, सर ये एक प्लस नहीं, नहीं 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 रहने दीजिए सर, ठीक है सर, निकल पाएगा सर? नहीं निकल पाएगा, है ना सर? वैसे ही नहीं सर, इसमें वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऊपर बन, नहीं ऊपर भी नहीं बन रही है, नहीं नहीं बन रही ना सर, नहीं नहीं सर बन जाएगा सर, वो लॉजिक से तो हो ही जाएगा सर, ये सर इसका जो सर टीएन हो रहा है, हाँ, वो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n हो रहा है, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 4। सर ये जो बनेगा 1 1 ऐड कर लेंगे n आ जाएगा, बचेगी n पदों की सीरीज, n बचेगी और एक बचेगी gp, ठीक है सर? हाँ एक बचेगी gp सर, तो दो सीरीज बनेगी सर इसमें एक साथ फिर। बिल्कुल सर हो जाएगा सर बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं सर इसमें आनंद टर्म का सम लगाने से लगा था। अच्छा अच्छा सर, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यू करें मित्रों? आज के लिए इतना ही छोड़ें क्या, बताइए मित्रों? ठीक है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना, फिर क्या है बाकी कल करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्ट रहे तो। कल मित्रों आते हैं, आज आपने सबने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो कल मिलते हैं, क्वेश्चन और भी हैं अब कल करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट सर, गुड नाइट।